हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आजी पेट्स चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा पर्शियन कैट की हेयर टाइप के बारे में। हेयर टाइप यानी कि शॉर्ट हेयर, डबल कोट, ट्रिपल कोट और लॉन्ग हेयर के बारे में। आपको किस तरीके से पहचानना है इस चारों में से कौन सी कैट आपको हेयर की टाइप जो है कौन सा है वो पहचानना किस तरीके से है वो इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद में जो है डबल कोट ट्रिपल कोट क्या होता है वो भी बताऊंगा और जो है पूरा डिटेल में जो है समझाऊंगा कि आपको भी पता लग जाए कि कौन सी कैट कौन से कोट की है, यानी कि शॉर्ट हेयर है या डबल कोट है या ट्रिपल कोट है या फिर जो है लॉन्ग हेयर है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आईजी पेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हेयर टाइप जो आती है वो है शॉर्ट हेयर आती है। शॉर्ट हेयर किस तरीके से पहचानोगे, अगर 1 से 1.5 इंच के नीचे है, यानी कि यहाँ पे आप बोर्ड जो है ले लीजिए, ये 1 इंच होता है और जो है ये 1.5 इंच होता है, इस इन दोनों के बीच में जो है अगर आपकी हेयर की कैट की हेयर की जो है साइज़ है, यानी कि जो मेजर कर रहे हो आप इस तरीके से पकड़ के जो है मेजर करिए, हेयर अगर 1.5 इंच के नीचे है तो आपकी कैट जो है शॉर्ट हेयर के लिस्ट में आती है, यानी कि शॉर्ट हेयर जो है उसका हेयर का टाइप है। अगर 1.5 इंच या फिर 1 इंच के नीचे अगर बाल है या फिर 1.5 इंच भी अगर बाल है तो वो जो है शॉर्ट हेयर में आती है। और जो है सेकेंड जो है डबल कोट, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि अगर पर्शियन कैट ले रहे हो तो डबल कोट की कैट है करके जो है बोल देते हैं। वो जो है बोलने के लिए है सिर्फ, यानी कि आपको समझ में आ जाए कि उसकी हेयर की जो लेंथ है वो कितनी है, यानी कि अगर आप डबल कोट की कैट को अगर पकड़ेंगे तो वो जो है 2 इंच होती है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 इंच और जो है ये 2 इंच, इतनी जो है हेयर की उसकी लेंथ होती है, तो उसको कहते हैं डबल कोट। और ट्रिपल कोट भी उसी तरीके से होता है, यानी कि अगर आपकी कैट की हेयर की लेंथ जो है 3 इंच है या फिर 3 इंच से 3.5 इंच तक है तो उसको कहते हैं ट्रिपल कोट। और जो है डबल कोट में अगर आपकी कैट की हेयर की जो लेंथ है वो 2.5 भी होगी तो भी वो जो है डबल कोट में आ जाएगी, और जो है 3 इंच अगर टच करेगी तो ट्रिपल कोट में आ जाएगी। 3 इंच अगर हेयर की लेंथ है तो वो जो है ट्रिपल कोट में आती है, और जो है 3.5 इंच भी जो है वो ट्रिपल कोट में ही आती है, यानी कि 3.5 इंच भी जो है वो ट्रिपल कोट में आती है। 3.5 की अगर ऊपर अगर लेंथ जा रही है अपनी कैट की तो वो जो है लॉन्ग हेयर में आती है, यानी कि आप जो है एक बोर्ड के वजह से, यानी कि एक बोर्ड से जो है इस तरीके से पकड़ के उसका जो स्किन है वो लगती है, उसके बाद में जो है उसको इस तरीके से बाल पकड़ के आप चेक कर सकते हो कि कितने हेयर की जो है लेंथ है। आप जो है उसके हिसाब से जो है आपको पता लग जाएगा कि वो शॉर्ट हेयर है या फिर डबल कोट है या फिर ट्रिपल कोट है या फिर जो है लॉन्ग हेयर है, तो इस तरीके से पता लग सकता है आपको। यानी कि आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है डबल कोट है ट्रिपल कोट है, आप जो है इस तरीके से पकड़िए कैट की जो स्किन है उसको टच करिए और जो है बाल को इस तरीके से पकड़िए, आपको पता लग जाएगा कि डबल कोट है ट्रिपल कोट है या फिर लॉन्ग हेयर है। तो इसी तरीके से आपको जो है अगर किटन में अगर मापना हो तो किटन में जो है इस तरीके से माप नहीं सकते आप, क्योंकि आपको जो है किटन ग्रो होते रहता है तो उसकी हेयर की जो क्वालिटी है यानी कि हेयर की जो लेंथ है, अगर ट्रिपल कोट भी होगी तो वो जो है आधी दिखाएगी आपको, 1.5 इंच अगर होगी तो वो ट्रिपल कोट होगी, यानी कि वो आधी समझ लीजिए आधी मेजर करना है आपको। ट्रिपल कोट होगी जो 1.5 इंच होगी या फिर 1.5 से 2 इंच की जो है हेयर जो है ग्रोथ होगी, या मैं 2 महीने या फिर 3 महीने की किटन की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर की जो है आपको इसी तरीके से मापना है। अगर 2 महीने की है तो आपको इस तरीके से पकड़िए, अगर 1.5 से 2 इंच है तो वो ट्रिपल कोट होगी, अगर आपको यानी कि डबल कोट की अगर कैट चाहिए तो आपको जो है 1 इंच मापिए, अगर 1 इंच अगर आपकी कैट की हेयर है यानी कि 2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर के जो किटन है उनकी अगर आपको 1 इंच अगर आ रही है तो वो डबल कोट है, 1.5 से 2 इंच अगर आ रही है तो वो ट्रिपल कोट है। और जो है उसी तरीके से आपको अगर बड़ी अडल्ट कैट को जो है इसी तरीके से मापना है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच आपको जो इस तरीके से मापना है। किटन को जो है अलग मेथड है, आपको 1 इंच मापेंगे तो 2 इंच होगी यानी कि डबल कोट होगी, वो ग्रो होगी और जो है उसकी कैट की जो हेयर की ग्रोथ है वो बड़ी होगी और लेंथ भी जो है बड़ा हो जाएगा और जो है वो डबल कोट हो जाएगी। अगर ट्रिपल कोट मापना है तो 1.5 से 2 इंच मापिए, वो ट्रिपल कोट हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग हेयर जो है
3.5 के ऊपर अगर आपकी कैट की हेयर की ग्रोथ जाती है यानी कि लेंथ जाती है तो वो जो है लॉन्ग हेयर में आ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए IG Pets चैनल।